नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी ऑफ हेमंत वर्क। टुडे बहुत सारे रिक्वेस्ट आई है कि आप हिंदी में बनाएं, तो आज का ये वीडियो हिंदी में रहेगा। आज हम टॉपिक लेंगे वर्गोत्तम, जिसे हमें पता चलेगा कि भाई जातक के गुण धर्म कैसे है। इस पे एक वीडियो मैंने आगे बनाया था, मेरे ख्याल से नवमास लग्न जो भी हो, वो अगर डीवन में जहां पड़ता है जिस हाउस, वो एफ्लिक्स में होता है या दूषित होता है, तो वो रिलेटिव कंसर्न, रिलेटिव फैमिली फ्रेंड नेबर जो भी है, जो भी वहां होता है, वो डिसऑनेस्ट हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है। इसी पे है ही कि जात का इज इम्प्योर और डिसऑनेस्ट और इनकमल और सिंपल। सिंपल सा रूल है, अट्ठाईस फेब्रुआरी 1996 का है ये। चार वृषभ लगना है, वर्गोत्तम लगना है, वृषभ नौ मास में भी वृषभ लगना है। तो यहाँ वृषभ लगन जो है नौ मास में, वो वर्गोत्तम है, यानी कि डीवन एसेंडेंट भी वृषभ है, और वो अगर दूषित है तो फिर जातक में डी इम्प्योर ऑफ डिजोनर सिग्नोबल सिंफुल कोई भी गुणधर्म आ सकता है। अगर शुक्र अच्छा हो जाएगा, एसेंडेंट वाला है, वर्गोत्तम का वाला है, तो कुछ अच्छे गुणधर्म आ सकते हैं। दूषित है कि नहीं वो देखना है पहले। तो वृषभ लग्न है, वो ही डीवन में है, तो जातक खुद हो गया। अगर वृषभ राशि सेकंड हाउस में होगा तो फैमिली, थर्ड हाउस में होगा तो ब्रदर, फोर्थ हाउस में होगा मदर, ऐसा कुछ ना कुछ आ सकता है। अगर वो एफ्लिक्टेड है तो यहाँ वृषभ पे डी वन में देखो, वृषभ राशि पे फर्स्ट हाउस पे लगने में, वृषभ लगने में मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की नव पंचम के से संबंध, शुक्र है उसका है, लेकिन केतु के साथ एक्लिप्स ग्रस्त है केतु से, तो शायद पैसा देगा, एक रूल वो भी है। तो यहां हम गुण धर्म की बात करेंगे, तो ये दूषित है, यानी कि जात का डिसऑनेस्ट इग्नोबल और कुछ भी हो सकता है। नौ मास में देखें तो नौ मास में शुक्र उच्चा है, वो भी वर्गोत्तम है, उच्चा उच्च राशि में, तो कुछ न कुछ उसको कहीं न कहीं लाभ देगा। लेकिन जहां तक गुणधर्म के पर्सनल ट्रेट की बात आएगी तो इम्प्योर होगा जातक, डिसऑनेस्ट या इग्नोरेबल और सिंफोल या घुमाने वाला, प्रॉमिस ब्रेकर, कुछ ना कुछ आपको ये मिलेगा। तो एक ये छोटा सा वीडियो है, ऐसी चीज छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखोगे तो कुछ अच्छा डिसीजन लेने में मदद हो सकती है।
इसके लिए छोटा सा वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। निर्विघ्ने न शुभम भवतु, कल्याणमस्तु, थैंक्स फॉर वॉचिंग।